हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम नोबल गैसेस को नोबल गैसेस के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे थे, आज हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के वीडियो के अंदर हम जीनोन के कंपाउंड्स को देखेंगे और उनके स्ट्रक्चर्स को देखने वाले हैं, कितने तरीके के कंपाउंड जीनोन जो है वो बनाता है। तो यहाँ पर देखिए, थ्री कैटेगरी की कंपाउंड है। फर्स्ट है जीनोन फ्लोराइड्स, देन जीनोन ऑक्साइड्स एंड देन जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड्स। अब इनके नाम ही बता रहे हैं, जीनोन है तो एक्स ई स्टैंड फॉर जीनोन सिंबल। नोबल गैस के अंदर जीनोन एक एलिमेंट होता है जो कंपाउंड बनाता है, इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। तो फ्लोराइड्स के अंदर देखिए, फ्लोरीन के साथ एक्स ई एफ टू, एक्स ई एफ फोर और एक्स ई एफ सिक्स, सिर्फ यही कंपाउंड आज तक स्टडी किए गए हैं, बनाकर देखे गए हैं जीनोन के रिगार्डिंग। इसके अलावा ऑक्साइड्स के साथ ये एक्स ई ओ थ्री और एक्स ई ओ फोर दो कंपाउंड बनाता है, और जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड के अंदर ये फाइव कंपाउंड्स बनाता है जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन सबकी स्ट्रक्चर हमें देखनी है वन बाय वन। तो देखिए, हालांकि आप अगर करना चाहें तो इनके प्रिपरेटरी जो रिएक्शंस हैं वो भी कर सकते हैं, तो वो आप हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, या आप चाहें तो बुक की हेल्प लेके उन्हें याद भी कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्शंस के अंदर हमें सिर्फ याद ही करना होता है, उसमें बताने जैसा कुछ रहता नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम लेके चलते हैं एक्स ई एफ टू। ओके, कैसे बनाएंगे इसे? एक्स ई एफ टू, इसके पास तीन लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं इस तरीके से। ओके, कितने लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे? तीन लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे, तीन लोन पेयर प्रेजेंट है और दो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। ऐसा मैंने किस लिए लिखा है? क्योंकि जितने भी नोबल एलिमेंट्स होते हैं उनका आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड रहता है, यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? हमेशा एनएस टू एनपी सिक्स रहता है, यानी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? छः और दो आठ। ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्डेड है तो आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दो दो चार दो छः, एक यहाँ पर सात और एक यहाँ पर आठ, इस तरीके से। तो अगर हम इन लोन पेयर्स को यहाँ पर कंसीडर ना करें तो ये किस तरीके की ज्योमेट्री दिखाई देगी आपको? लीनियर दिखाई देगा। तो क्या बोलते हैं इसे? लीनियर इन शेप। अब देखिए, एक चीज यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है फॉर्मूला, किस तरीके से अप्लाई करते हैं हम। वन बाय टू कंप्लीट लिख देते हैं, एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन। यही चीज देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, वन बाय टू तो एज इट इज लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? छह और दो आठ। मोनोवेलेंट एटम कितने? ऐसे कितने एटम हैं जिसने जीनोन के साथ में सिंगल बॉन्ड बना रखा है? तो एक और दो, सिर्फ दो ही है। माइनस, क्या इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है? नहीं है। क्या कोई पॉजिटिव चार्ज है? वो भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? कैटायनिक चार्ज भी नहीं है, एनायनिक भी नहीं है, तो ये जीरो रहेगा। अब एट और टू कितने हो जाएंगे? टेन। तो वन बाय टू इंटू में टेन क्या हो जाएगा? टू फाइव जा टेन, फाइव आ जाएगा। अगर x की वैल्यू है फाइव तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी? एस पी थ्री डी। क्या हाइब्रिडाइजेशन रहेगी इसकी? एस पी थ्री डी। किस तरीके से पता चला हमें एस पी थ्री डी है ये? क्योंकि देखिए, फाइव है एक s के लिए, तीन p के लिए और एक d के लिए, टोटल फाइव हो गए ना, वन टू और प्लस थ्री कितने हो गए? फाइव। तो x की वैल्यू अगर फाइव आती है तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी? एस पी थ्री डी रहेगी। नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, एक्स ई एफ फोर। ओके, देखिए इसको किस तरीके से बनाएंगे हम। एक्स ई एफ फोर, वन टू थ्री फोर, क्लियर। तो ये तो फोर जो है फ्लोरीन, इस तरीके से बॉन्ड बना के इसके साथ अटैच है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, दो लोन पेयर भी प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि टोटल हमें एट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। चार इलेक्ट्रॉन तो इसने यूज कर लिए बॉन्डिंग के अंदर जीनोन ने, और बाकी चार दो लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये किस तरीके की स्ट्रक्चर बन गई? स्क्वायर प्लैनर, स्क्वायर प्लैनर टाइप की। ओके, हाइब्रिडाइजेशन जो है ये ही फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। यहाँ पर कुछ भी दे रखा हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर एक के लिए सेम रहेंगे, बस मोनोवेलेंट एटम जो है उनके नंबर चेंज होते रहेंगे। मोनोवेलेंट एटम के अंदर हमेशा हम सिंगल बॉन्ड को कंसीडर करते हैं, तो कितने सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं? यहाँ पर इसने कितने बनाए हैं? फोर सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, तो सिर्फ यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? फोर आ जाएगी। आप उसे सॉल्व करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी आपकी। ओके, तो इन सब की हाइब्रिडाइजेशन आप खुद से फाइंड आउट करके लिखेंगे, मैंने आपको तरीका बता दिया है। अगर किसी की नहीं आती इन केस तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद बात आती है एक्स ई एफ सिक्स।
एक्स ई एफ सिक्स, इसके लिए कैसे बनाएंगे हम देखिए, एक्स ई सिक्स फ्लोरिंग है, 1 2 3 4 5 एंड 6, लेकिन एक लोन पेयर अभी भी प्रेजेंट रहेगा क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन तो हमें 8 करने हैं। तो अब इसमें जो लोन पेयर है वो जैसे इस तरीके से दिखा सकते हैं हम, इसे थोड़ा इधर कर देते हैं और ये जो है लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। ओके, तो ये जो है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल तो है ही है साथ में एक लोन पेयर और प्रेजेंट है, तो ये किस नेचर की हो जाएगी, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये एक्स ई एफ सिक्स, जिनर फ्लोराइड्स जो थे वो सिर्फ तीन ही टाइप के थे, यहाँ पर हमने बना दिए। मैं एक बार इसे रब कर देती हूँ, देन ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे हम। आई होप हाइब्रिडाइजेशन आप हर एक एलिमेंट के लिए हर एक केस में निकाल पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं जिनन ऑक्साइड की, ऑक्साइड्स को लेके चलेंगे। XeO3 है, तीन ऑक्सीजन अटैच करने हैं हमें, 1 2 3, और एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा इसके पास। ओके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, 8 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 8 में से कितने यूज कर लिए, कितने बॉन्ड बनाए इसने, 6 तो बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए और 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब इसकी ज्योमेट्री जो है वो कैसी रहेगी, पायरामिडल। पायरामिडल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी किससे मैच कर रही है, NH3 की देखिए आपने, NH3 इसी तरीके से बनाते हैं ना हम, और इसे क्या कहते हैं कि पायरामिडल ज्योमेट्री है। तो XeO3 की भी सेम ज्योमेट्री है, 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है यहाँ पर और 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं है, कैसे बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सारे के सारे जो 3 है वो डबल बॉन्ड की फॉर्म में प्रेजेंट है, और जो डबल बॉन्ड होता है वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ इसके जो सिंगल बॉन्ड होंगे वो ही हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए भी आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 तरीके होते हैं हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के, एक तो आप फॉर्मूला मेथड का अप्लाई करें, दूसरा जो मेथड है आपका वो कौन सा रहेगा कि आप ऑर्बिटल ड्रॉ करें ग्राउंड स्टेट के अंदर एंड देन एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करके उसके बाद देखेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मैं एक बार बता दूंगी आपको, XeO4। अब देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे, XeO4 है, 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पर, 1 2 3 एंड 4, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर यूटिलाइज हो चुके हैं सारे के सारे। किस तरीके की ज्योमेट्री बन गई इसकी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ओके, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर यूटिलाइज हो रहे हैं, तो ये टेट्राहेड्रल टाइप की रहेगी। ऑक्साइड्स भी कंप्लीट हो चुके, अब बात करते हैं जिनोन फ्लोराइड्स की, तो किस तरीके से बनेगा, हम ले रहे हैं XeOF2, XE एज इट इज सेंटर के अंदर प्रेजेंट रहेगा और डबल बॉन्ड O F F, ऐसे बनाते हैं हम इसे, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, F यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड O इधर बना देंगे, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं हमें 8, यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हुए हैं, तो यहाँ इस तरीके से लिखते 4 इलेक्ट्रॉन्स को। अब देखिए अगर मैं इन्हें यहाँ पर डिसअपियर कर दूँ, ठीक है, अगर हम लोन पेयर को ना देखें, आप सिर्फ इस स्ट्रक्चर को देखें, तो किस तरीके की बनेगी, टी शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आएगी आपको, तो ये किस नेचर की है, कैसी रहेगी, टी शेप्ड, क्लियर, तो इसे टी शेप्ड बोलेंगे हम। अब देखिए अगर यहाँ पर आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक मेथड और बता देती हूँ, जिनन के लिए जो ग्राउंड स्टेट है उसमें बनाएंगे हम एस और पी ऑर्बिटल, हालांकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन एस और पी के अंदर इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, कंप्लीट हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, 8 ही थे, एस के अंदर 2 और पी के अंदर कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हमने यहाँ पर फिल कर दिए। अब क्या होगा, यहाँ से देखिए इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, यहाँ पे 2 तो लोन पेयर प्रेजेंट है और 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, ये सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा है, इसमें से 1 सिग्मा है और 1 पाई है, यानी इसके अंदर टोटल 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स तो ऐसे होंगे जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे और एक जो है वो पाई के अंदर इन्वॉल्व होगा, लेकिन टोटल ऑर्बिटल तो यहाँ 4 ही है, 5 तो है ही नहीं, किस तरीके से बनाएं, तो जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है वो आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, 1
5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी के अंदर। तो अब देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये तो एज इट इज रखेंगे हम। हमें टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, सॉरी 3 सिग्मा बनाने हैं, ठीक है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके क्या किया, यहां आ गया, और यहां से एक एक्साइटेड होके कहां पे आ गया, यहां पर आ गया। टोटल सिग्मा बॉन्ड सिर्फ 3 बनने हैं, 1, 2, 3, ये तीन तो सिग्मा के अंदर इन्वॉल्व होंगे। ये जो पेयरिंग के अंदर प्रेजेंट है दोनों, ये लोन पेयर हो गए, यानी जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो तो सिर्फ यहीं तक आ जाएगी, क्या रहेगी, sp3d रहेगी। ये जो एक बच गया ये पाई बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व होगा, कौन से बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा, पाई बॉन्ड के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड भी बना रखा है ना हमने, तो उस पाई के लिए इस इलेक्ट्रॉन का यूज किया जाएगा। ये आपको या तो इसके थ्रू बनानी आनी चाहिए कि ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, इस तरीके से कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे यहाँ पर। तो आप अगर स्ट्रक्चर अगर आपको आती है तो आप काउंट कर सकते हैं कि 1, 2 लोन पेयर हमेशा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो भी इन्वॉल्व रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 इन्वॉल्व करवा दिए, लेकिन एक जो है बॉन्ड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन तो यूटिलाइज होगा क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काउंट नहीं होता क्योंकि पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। तो ये किसमें यूज हो गया, पाई बॉन्ड बनाने के अंदर यूज में आ गया। तो इस तरीके से हम इसकी ज्योमेट्री बना सकते हैं। अगर आप फॉर्मूला मेथड यहाँ पे अप्लाई करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। देखिए जिनन के केस में डायरेक्ट निकाल रहे हैं हम यहाँ पर 1/2, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं यहाँ पर 1, 2, दो ही है मोनोवैलेंट, इसने तो डबल बॉन्ड बना रखा है, इसे तो हम लेंगे ही नहीं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड लिखने हैं हमें यहाँ पर। क्या इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं। क्या नेगेटिव चार्ज है, वो भी जीरो है, नहीं है। तो क्या कर देंगे, 1/2 × में 10, 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d आई थी, 5 के लिए sp3d ही रहेगी। यानी ये नंबर हमें ये बताता है कि कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पर भी कितने आए थे, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ भी कितना नंबर आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ के लिए हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने अभी तक सिर्फ यहाँ तक ही पढ़े हैं, ये एग्जाम्पल बचे हुए हैं, मैं अभी इनके और बताती हूँ किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर XeOF4 बना लेंगे। सबसे पहले हम इस तरीके से, ये देखिए 4 फ्लोरीन अटैच कर दिए, एक ऑक्सीजन अटैच करना है हमें, चाहे ऊपर की साइड कर दें चाहे नीचे की साइड कर दें, इस तरीके से एक स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर बन गई। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी 2 बचे हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, इस तरीके से लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। अगर देखा जाए तो स्क्वायर टाइप की स्ट्रक्चर है, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर रहेगी, क्योंकि स्क्वायर तो बन रहा है लेकिन साथ में इस ऑक्सीजन की वजह से एक पिरामिडल टाइप जो ज्योमेट्री है वो भी जनरेट हो रही है, तो स्क्वायर पिरामिडल के नाम से इसे जाना जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम XeO2F2, तो XE एज इट इज लिखेंगे, O2F2 और प्रेजेंट है। अब इन्हें किस तरीके से अटैच करें, इस तरीके से अटैच हम कर नहीं सकते इन्हें, ठीक है, क्योंकि डबली बॉन्डेड जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट रहेगी। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप 2 फ्लोरीन अटैच करो, इस तरीके से लीनियर हो गई, 2 ऑक्सीजन अटैच करवाएंगे इस तरीके से, और एक लोन पेयर प्रेजेंट है वो यहाँ पर ऐसे अटैच होगा, ये देखिए, ठीक है। किस तरीके की बन गई, TVP ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बाय पिरामिडल, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर भी कोई एलिमेंट होता तो ये परफेक्ट ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती, हालांकि हम इसे बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही है, लेकिन ये थोड़ी सी डिस्टोर्टेड रहती है ड्यू टू प्रेजेंसी ऑफ दिस लोन पेयर। इस लोन पेयर को हम इसी पोजीशन के ऊपर हमेशा बना के दिखाएंगे, एक्सियल पोजीशन पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर लोन पेयर एक्सियल पोजीशन के ऊपर दिखाया तो वहाँ पर रिपल्शन मैक्सिमम हो जाएगा और स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टेबिलिटी लोअर डाउन हो जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं कि स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई रहे, और वो तभी पॉसिबल है जब लोन पेयर हमेशा जो है इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट रहे। क्योंकि आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि हम इसी पोजीशन के ऊपर क्यों दिखा रहे हैं, इन्हें यहाँ दिखा देते, यहाँ दिखा देते। तो हालांकि आप ऐसा कर सकते हैं कि इसे इस पोजीशन के ऊपर दिखा दें, लेकिन इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर ही रखना है, एक्सियल के ऊपर। ये जो 2 पोजीशन होती है ना, अबो द प्लेन और बिलो द प्लेन, ये एक्सियल पोजीशन होती है, इनके ऊपर हम लोन पेयर नहीं दिखा सकते, क्योंकि वहाँ पर जो रिपल्शन होता है इन बिटवीन द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर
वो 90 डिग्री के एंगल से होगा, मैक्सिमम रहेगा, जिस वजह से स्टेबिलिटी जो है इस मॉलिक्यूल की वो चली जाएगी, और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि जो स्ट्रक्चर है उसकी, जो मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी चली जाए। इसके बाद नेक्स्ट है XeO3F2। तो यहाँ पर देखिए XeO3F2, अब सेम इसकी तरीके से ही आप बना सकते हैं। ये देखिए तीन ऑक्सीजन अटैच करवा दिए और ये कैसा बन गया, ट्राइगोनल टाइप का बन गया। अब एक फ्लोरीन तो यहाँ और एक फ्लोरीन इस डायरेक्शन के अंदर, परफेक्ट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन गया ना, TBP, इसे शॉर्ट में बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही कहते हैं, तो शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हैं, इसे TBP भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने हर एक मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करके नहीं दिखाई है, लेकिन मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहे तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट स्ट्रक्चर है XeO2F4, XeO2F4। अब देखिए चार फ्लोरीन है, इन्हें तो हम अगर चार एक जैसे कोई भी एटम दिख रहा है तो सबसे पहले तो आप उसका स्क्वायर बनाए, स्क्वायर बन गया, इसे स्क्वायर को क्लोज कर देंगे इस तरीके से, ओके। लेकिन दो ऑक्सीजन अभी भी बचे हुए हैं, डबली बॉन्डेड एक ऑक्सीजन यहाँ और एक यहाँ। देखने से कैसी लग रही है स्ट्रक्चर हमारी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी, ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी हाईली स्टेबलाइज रहते हैं। और यहाँ पर लोन पेयर का तो कोई चक्कर ही नहीं है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 के 8 कंप्लीट हो चुके हैं। ज्योमेट्री कैसी रहेगी, ऑक्टाहेड्रल रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, साथ में हाइब्रिडाइजेशन जो है आप इनके हर एक की फाइंड आउट करके अपने नोट्स जब आप बनाएं तब वहाँ पर लिखने हैं। कई बार इनकी 5 मार्क्स के क्वेश्चन में या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करवा के देख लेते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकते हैं, स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, इनकी ज्योमेट्री पूछ सकते हैं, तो आपको याद करनी पड़ेगी। इसके बाद जो आपकी पी ब्लॉक एलिमेंट है इसमें 18th ग्रुप के अंदर सिर्फ लास्ट जो टॉपिक बचता है वो बचता है यूजेस का, नोबल गैस के यूजेस के ऊपर हर साल लगभग क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके जो यूजेस हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, तो इनके यूजेस आप अच्छे से पढ़ें। देखिए यूज़ के अंदर तो क्या है, जिस जिस चीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है वो आपको ऑलरेडी पॉइंट्स के अंदर उसमें लिखा हुआ मिलेगा, सिर्फ आपको वो पढ़ना है। स्पेशली जो नियोन है इसका यूज़ सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप यूजेस जो हैं वो अपने बुक में से देखें, उनके नोट्स बनाएं और उन्हें याद करें। अगर कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ में ना आए तो आप उससे पूछ सकते हैं, ओके। तो आज इस लेक्चर के बाद आपकी पी ब्लॉक जो है आपकी 7th यूनिट वो कंप्लीट हो चुकी है बिल्कुल। नेक्स्ट जो यूनिट है वो हम डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टेस्ट पेपर आपको दिया जाएगा पी ब्लॉक के रिगार्डिंग, तो आप इसकी तैयारी करें, प्रिपरेशन करें अच्छे से, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं।